क्लास में सब्जेक्ट साइंस, साइंस का हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये इसका फोर्थ पार्ट सॉरी फिफ्थ पार्ट है। हमने फोर्थ पार्ट में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस देखी थी। फर्स्ट डिग्री न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें हमने एसिड में बेस मिलाते हुए जा रहे थे। फिर सेकंड थी रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ये हमने फोर्थ पार्ट में देखा था। फिफ्थ पार्ट में हम थर्ड पार्टी रिएक्शन देखने वाले, रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड ऑफ मेटल, जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड के साथ जो एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है वो आज हम देखने वाले है। टेक सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड अ लीटर रेड ऑक्साइड, उसका नाम भी यहाँ पे दिया है कि वो कैसे बनता है। द प्राइमर्स यूज बिफोर पेंटिंग एंड आइस आर्टिकल्स, जो पेंट करने से पहले जो होता है ना वो वाला आपको निकालना है टू इट। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एचसीएल टू इट, फिर उसमें आपको क्या करना है कि जो डाइल्यूट एचसीएल है वो उसमें डालना है। शेक द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, फिर आपको क्या करना है उस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसको शेक करना है और हिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे आई एम पी यहाँ पे रेड ऑक्साइड दिया है, ठीक है। तो वो आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसके बाद उसमें डाइल्यूट एचसीएल डालना है, फिर उसको शेक करना है। तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, डज द रेड ऑक्साइड डिजॉल्व इन द वॉटर, तो जो हमने रेड ऑक्साइड लिया है मेटल का वो पूरी तरह से डिजॉल्व होता है या नहीं आपको देखना है। फिर सेकंड है व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द पार्टिकल्स ऑफ रेड ऑक्साइड ऑन एडिंग डाइल्यूट एचसीएल, तो जब हम डाइल्यूट एचसीएल उसमें डालते हैं वो रेड ऑक्साइड में तो उसमें क्या चेंज होता है वो देखना है। फिर उसकी रिएक्शन हमें दिए द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड इज Fe2O3, तो ये क्या है कि जो पेंट करने से पहले जो हमारे पहले जो रहते हैं आयन उनके जो हमने रेड ऐसा ऑक्साइड निकाले थे तो वो क्या है Fe2O3, ठीक है। द वॉटर इन सोलबल रेड ऑक्साइड रिएक्ट विद द HCl टू प्रोड्यूस वॉटर सोलबल सॉल्ट FeCl3, तो जो रेड ऑक्साइड है वो वाटर में इनसोल्युबल होता है तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है कि वो डिजॉल्व नहीं होता है पूरी तरह से, इसलिए हमें वो Fe जो है वो Cl के साथ मिक्स हो जाता है और हमें यहाँ का यच और जो वाटर का था तो H2O ऐसे बाहर निकल जाता है। दिस गिव्स अ येलोइश कलर टू वाटर, फिर वो क्या मिल जाए कि जो रेड कलर का ऑक्साइड था वो हमने एचसीएल में डाला था हमें येलोइश कलर का वाटर मिलता है। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज, तो ये जो हम केमिकल चेंज हुआ है उसमें वहां पे हमें उसकी रिएक्शन दिए इक्वेशन दिए Fe2O3 यानी रेड ऑक्साइड प्लस 6HCl HCl हमें डाइल्यूट कर दिया इसलिए यहाँ पे एक्वस लिख के आया है। फिर हमें प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं 2FeCl3 वो भी एक्वस, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं। फिर प्लस 3H2O हमें क्या मिलता है वाटर मिलता है येलोइश कलर का। कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको जैसे कि हमने आज एक रिएक्शन देखी है तो वो उसके थ्रू हमें ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट दिया है मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड दिया है। फिर डाइल्यूट एसिड, कोई भी HCl होगा HNO3 होगा या जो भी हो ये आपको अलग अलग लेने हैं। फिर यूज राइस टू, यहाँ पे हमें क्या मिलता है सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन सा लिया है कार्बन ऑक्साइड लिया है मेटल ऑक्साइड में प्लस टॉइस HCl, अभी टॉइस HCl लिया है वो भी एक्वस यानी डाइल्यूट, क्योंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए स्ट्रॉन्ग जो है उसको डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा देखिए यहाँ पे Cl, यहाँ पे CaCl2 मिलेगा, फिर यहाँ पे H2O जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। फिर MgO मेटल ऑक्साइड लिया है तो फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ पे कौन सा डाइल्यूट एसिड लिखोगे तो यहाँ पे देखिए Cl दिख रहा है फिर H दिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा Cl, यहाँ पे ट्वाइस HCl ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ZnO है ZnO सॉल्ट है यहाँ पे वो क्या मेटल ऑक्साइड है प्लस ट्वाइस HCl दिया है। फिर यहाँ पे आपको उसका सॉल्ट और वाटर लिखना है जैसे ऊपर यहाँ पे दिए। फिर Al2O3 वो ऑक्साइड दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HF, तो यहाँ पे अभी एसिड कौन सा लिया है 6HF लिया है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि उसमें से सॉल्ट कौन सा होगा और वाटर कौन सा होगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया है व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज अ मेटल ऑक्साइड, तो जो मेटल ऑक्साइड है वो किस टाइप का कंपाउंड है, जैसे कि हमने यहाँ पे उसकी फॉर्मूले देखे हैं कि प्रेफरेंस टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी थी उसके थ्रू हमें पता लगना है कि जो कंपाउंड है जो मेटल ऑक्साइड है वो किस तरह का कंपाउंड है। सेकंड दिया एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, तो उसका जो मेटल ऑक्साइड उसका बेसिक नेचर हमें यहाँ पे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में। फिर फोर्थ रिएक्शन देखने वाले हम रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, तो हमने मेटल में देखी थी अभी हम नॉन मेटल में देखेंगे जो मेटल नहीं होते उनके ऑक्साइड के साथ
हम रिएक्शन देखेंगे बेस की। बेस रिएक्ट विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अगर हमें सॉल्ट एंड वाटर चाहिए बेस से, तो वो किससे रिएक्ट होता है? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है। हेंस द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। तो जैसे कि बेस बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो किसके नेचर से होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, तो वो बेस के साथ मिलकर हमें सॉल्ट देते हैं। समटाइम्स द ऑक्साइड ऑफ एन नॉन मेटल देमसेल्फ आर सेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ एसिड। तो जो नॉन मेटल है वो एसिड के एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ पे दिया ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, अभी नॉन मेटल के यहाँ पे ऑक्साइड दिए प्लस बेस है, अभी यहाँ पे बेस यूज करना है। फिर रिएक्शन से हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है प्लस ट्वाइस NaOH, NaOH क्या है वो बेस है। फिर हमें क्या मिलता है यहाँ पे ट्वाइस NaOH का, तो ये जो ट्वाइस दोनों को है, यानी के साथ भी है, ओ के साथ भी है, एच के साथ भी है। तो यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे देखिए Na2 लिखा है, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे ये एक और ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए O3, यानी CO3 वो एक्वस है क्योंकि वो सॉल्ट है। फिर हमें क्या मिलता है H2O, क्योंकि यहाँ पे 3O थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4 थे, तो यहाँ पे 3 आए, तो एक O बच गया, तो यहाँ पे H2O। फिर यहाँ पे दिया है कि आपको नॉन, यहाँ पे ऑक्साइड का नाम नहीं दिया है जो नॉन मेटल है, आपको सिर्फ बेस का नाम दिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट से आपको लिखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड आएगा। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा क्योंकि यहाँ पे CO3 लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे SO3 गैस है प्लस यहाँ पे हमें बेस दिखना है, तो यहाँ पे देखिए Na दिख रहा है, यहाँ पे H2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा NaOH आएगा। तो ऐसे आपको रिएक्शन आपके बुक में आपको कंप्लीट करनी है। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक क्या करता है कि सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, क्या मिलता है फिर हमें जिंक सोडियम जिनाइट मिलता है, उसका फॉर्मूला है Na2ZnO2 एंड वाटर। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, उसका फॉर्मूला दिया है यहाँ पे NaL2 एंड जो उसके साथ क्या मिलता है हमें वाटर मिलता है। यूज योर ब्रेन, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन ऑफ द बोथ दिस रिएक्शन। जो हमने लिखा कि जिंक और सोडियम और फिर एल्यूमिनियम और सोडियम जो साथ में मिलते, तो उनकी यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है आपको। सेकंड क्या है, वी कैन कॉल Al2O3 एंड ZnO एसिडिक ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन। तो जो रिएक्शन आप लिखोगे उसकी वजह से हम उनको एसिडिक ऑक्साइड ऐसे बोल सकते। 3 दिया है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्साइड एंड ड्यू टू एग्जाम्पल, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हमारी 5th रिएक्शन है अभी रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल। तो मेटल के जो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट होते हैं उनके साथ जो एसिड की रिएक्शन होती है, तो हमें रिएक्शन कैसे होती है यहाँ पे हमें एक्टिविटी के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, फिट अ बेंड ट्यूब इन रबर क्रॉप। तो आपको एक रबर क्रॉप में एक ट्यूब ऐसे बेंड करके फिक्स करना है। टेक सम लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेना है एंड कीप इट हार्डली, तो आपको अच्छे से रखना है। टेक सम बेकिंग सोडा इन द अनदर टेस्ट ट्यूब, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब लेगी उसका उसमें बेकिंग सोडा लेना है एंड ऐड सम लेमन जूस, और सोडे में आपको लेमन जूस डालना है। इमीडिएटली फिट द बेंड ट्यूब ओवर इट, तो जो अपने बेंड ट्यूब उसको उसके ऊपर फिक्स किया था वो आपको रिलीज करना है। इंसर्ट इट अदर एंड टू, फिर अदर एंड में आपको लाइम वाटर उसमें डालना है। नाउ नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द बोथ टेस्ट ट्यूब, तो दोनों टेस्ट ट्यूब के आपके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग वॉशिंग सोडा, हमने बेकिंग सोडा यूज किया था पहले, बाद में वॉशिंग सोडा विनीगर एक एक करके आपको यूज करना है, डायरेक्ट एसियल में डालना है और वो आपको क्या दिखाई देता है वो देखना है। इन दिस एक्टिविटी, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, इन दिस एक्टिविटी वेन लाइम वाटर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द गैस रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपेरियंस, तो आप जो लाइम वाटर आप उसमें छोड़ते हो इस टर्न मिल्की, तो वो क्या हो जाता है कि मिल्की हो जाता है, यानी उसका कलर जो है वो व्हाइट आ जाता है पूरी तरह से। दिस इज अ केमिकल टेस्ट ट्यूब फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कब होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वेन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जब लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, इन्फर्स दैट द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाता है। दिस गैस इज प्रोड्यूस ऑन रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल, तो हमें क्या मिलते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट मेटल्स के थ्रू होता है यहाँ पे। प्रेसिपिटेट CaSO3 इज प्रोड्यूस ऑन
दिस इट्स रिएक्शन विद द लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के साथ हमें क्या मिलता है कि जो CaSO3 मिलता है और CaOH बाय 2 मिलता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CaOH2 जो रिएक्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है CaSO3 मिलता है प्लस H2O। हमें लास्ट में जो सॉल्ट मिल रहा है उसके साथ जो हमने अब तक रिएक्शन देखी उसमें हमें वाटर अलग से मिल रहा है। फिर ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई है। अभी हमें ये बॉक्स फिल करना है। कंप्लीट द रिएक्शन इन द फॉलोइंग टेबल। कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। तो हमारा जो फिफ्थ था उसमें क्या था कि हम कार्बोनेट सॉल्ट यूज कर रहे थे और उसमें डाइल्यूट एसिड जो एसिड है SL वो डाल रहे थे। फिर हमें क्या मिल रहा था अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल, जो मेटल है उसका अनदर सॉल्ट मिल रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, जहाँ पे H2 भी मिल रहा था। Na2CO3 प्लस टॉइस HCl, जो कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट प्लस टॉइस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूस। हमें क्या मिलता है NaCl सॉल्ट मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ही दिया है। यहाँ पे आपको कौन सा एसिड दिखोगे, या आपको प्रोडक्ट से लिखना है। यहाँ पे SO4 दिया तो यहाँ पे क्या आएगा टॉइस SO4 आएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में H2O आएगा। फिर है CaSO3 प्लस टॉइस HNO3। तो ये आपको लिखना है कि यहाँ पे सॉल्ट कौन सा आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आता ही है फिर H2O। ठीक है, तो सिर्फ आपको सॉल्ट ढूंढना है कि कौन सा आएगा। फिर है K2CO3, ये हमें दिया है कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे H2SO4 दिया है। ठीक है, तो अभी उसकी रिएक्शन में आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये हमने देखी थी कि कार्बोनेट सॉल्ट के साथ मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो ये रिएक्शन थी। अभी हमें देखना है कि बाय कार्बोनेट जो होते हैं उनके साथ जब रिएक्शन होती है तब क्या होता है। बाय कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड ड्यूस अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वापस से हमें क्या मिल रहा है वाटर मिल रहा है। यानी HCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट प्लस HCl हमें क्या मिलता है कि NaOH मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। फिर है पोटेशियम बाय कार्बोनेट KHCO3 प्लस HNO3। ठीक है, वो हमें सॉल्ट जो है वो तो हमें जो सॉल्ट है वो कौन सा मिलता है KNO3 मिलता है। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फिर यहाँ पे वाटर H2O। फिर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट वापस से दिया है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे वो एसिड कौन सा यूज कर रही है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है। तो प्रोडक्ट से आपने आपको ढूंढना है कि यहाँ पे एसिड कौन सा आएगा। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है H2O। ठीक है, आज जो हमने रिएक्शन यहाँ पे देखी है तो आप आपको हर एक रिएक्शन में यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे सॉल्ट, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।